गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे सब लोग? क्या हो रहा है? कल रात को मैं सोच रहा था कुछ ना एक्साइटिंग करते हैं यार। घर पे बैठे बैठे ना एक्चुअली मैं बोर हो गए। टीवी भी देख ली, बुक्स भी पढ़ ली, सारे काम कर लिए, बर्तन भी धो दिए, झाड़ू पोछे भी मार लिए। घर पे बैठे बैठे ना मुझे रियलाइज हुआ दैट आई लव बीजेपी। नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्तन झाड़ू पोछा, यही रहेगा जीवन में। अब भी बीजेपी को अगर लाइक करते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। बीजेपी मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बर्तन झाड़ू पोछा, ये तो आपको पता ही, अब पता लग गया। करेंगे आज ना कुछ ना खुरक मच रही है अंदर ना कुछ ज्वाला भड़क रहा है। आज ऐसा लग रहा है कुछ जबरदस्त कर दूं, समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, लेकिन कुछ तूफानी करेंगे आज। आज ऐसा प्रैंक करूंगा जबरदस्त तरीके से कि ना मजा ही आ जाए। आज एक काम करता हूँ, मम्मी पापा के साथ प्रैंक करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मुझे ना लड़के पसंद है और मैं हूँ गे। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अंदर से थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ, क्योंकि इस तरीके के जो प्रैंक है ना ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते, स्पेशली मम्मी पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। समझ नहीं आ रही, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे, मतलब मानेंगे क्या, मनवाना थोड़ी है भाई, स्ट्रेट हूँ मैं, बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। क्वारंटाइन में कुछ ना कुछ तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना। आपने कभी अपने मम्मी पापा के साथ कोई प्रैंक किया हो, कभी कोई मजाक किया हो? आपने क्या क्या पोपट बनाया, क्या क्या उनके साथ मजाक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसका ब्लॉग करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है, एक बार मुस्कुरा दीजिए। कोई स्वागत है, कोई स्वागत है आपका, स्वैग से स्वागत है। मैं हूँ आपका विजय राहुल भाटिया। मुझे डर ये है कि भाई मेरी पिटाई ना हो जाए, पता नहीं मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मेरे को उठा के कुछ फेंक फेंक के मार ना दे। अंदर से डर भी लग रहा है और थोड़ी थोड़ी फट भी रही है। क्या बोलूँगा, उनको बोलने वाला हूँ कि मम्मी पापा मुझे ना लड़के पसंद है, लड़कियाँ पसंद नहीं है। ऑल द बेस्ट तो विश करो यार, क्या कर रहे हो? भाई नहीं कर सकता मैं प्रैंक कैंसिल, थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हो गया था, मेरे बस की नहीं है। कैमरा दूर रख दूं? एक काम करता हूँ, कैमरा ना चुपचाप दूर रख देता हूँ। हाँ जी, क्या हाल है? ₹200 कुछ तो बचेगा, इतने सस्ती भी नहीं कराता। चल ₹500 लगा ले। एक्चुअली ना मेरे को आपसे एक बात करनी थी। क्या? दोनों से। आप जैसे पूछ रहे थे ना कि शादी कब करेगा, आप पीछे पड़े हुए थे, शादी कब करेगा? तो हम बहुत पूछते हैं। आप पूछते तो हो, लेकिन तो मुझे कुछ आपको बताना था, मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊं। जो लड़की पसंद है तो उसको अपना ले आ, हमें तो कोई इतराज नहीं है। क्लियर करें, हम बार बार रोज रोज तेरे को पूछते रहते हैं, तू अपनी तरफ से बता दे, हमें तो कोई इतराज है नहीं। मुझे ये बताना था कि खाना खा लिया? टाइम का हुआ खाने का? बता रहे तो बताना। नहीं, वो आप जो बताना चाह रहे हो वो बताओ, जो मन में है। मुझे ये बताना था कि कोई लड़की है क्या मन में? अरे यार, जो पसंद करी हुई है तो उसको बता दे, अगर उसके यहाँ हमें खुद जा के जाना पड़े तो हम खुद जाके ले आएंगे, चिंता मत कर, हमें कोई इतराज नहीं है, तू बोल खाली, हमें बता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात? बात ऐसी है क्या कि मुझे ना लड़के पसंद। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, पागल हो गया क्या? नहीं, आप एक मिनट चुप नहीं रह सकते? नहीं, क्या कह रहा है तू? मतलब हम पेरेंट्स पागल हैं? तो 6 साल से तेरे पीछे पड़े हुए हैं और तू आज 6 साल बाद बात ये खोल रहा है? तो एक काम कर, तू अपना बोरी बिस्तर उठा और अपने वहीं जाके रह, जहाँ तू जाना। चल, वो ठीक कह रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, ऐसी बातें। अब तो दिमाग हमारा खराब मत कर, है? तू 4 साल बॉम्बे बिता के आया, तू 4 साल ठीक है, हम समझ गए बात को। तो अपना बैग उठा, कल फ्लाइट बुक कर और जा। लाइफ का एक मतलब एक अजीब ही मोड़ आ गया हमारे लाइफ में, एक अजीब सर्कमस्टांसिस हो गए हमारे लिए। तो हमारा समाज अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हम इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है, हम इस बात का डिसीजन ही नहीं ले पा रहे।
अजीब स्थिति में ला दिया तुमने यार हमें, बिल्कुल मेरा डिसीजन थोड़ी है, मेरे हाथ में थोड़ी है, हमें नहीं एक्सेप्ट, फॉरेन में ये होता होगा एक्सेप्ट कर लेते होंगे, हम नहीं कर सकते, मैं आज घर का मालिक हूँ, जैसा मैं चाहूंगा वैसा हो, मेरी चप्पल देखी है तो मैंने आज तक तेरा गुस्सा नहीं किया, मैं उठा भी लूंगा, समझ आ गई बात, ये अगर एक बार उठ गई तो फिर रुकेगी नहीं रही है तुम, समझ लिए बात को, हमारा तो हो गया यहाँ पागल बन रहे हैं, मतलब आपसे भी इसने कभी बात नहीं करी इस तरह की, आप छुपाते हो मेरे से कोई बातें, दिमाग में टेंशन भर दिया तूने मेरे, तो मतलब समझ नहीं आ रही बात को कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस बात को, तुम्हें समझ नहीं आई कभी इसी बात के कि किस वे में ये कहां जा रहा है, किस लाइन पे जा रहा है, मतलब तुम्हारे को कोई समझ ही नहीं आई किसी बात की, मेरे को नहीं बताया इसने, पूछो इससे बैठा है सामने, क्यों भाई कोई बात कर, जिक्र करा है तूने मम्मी से, तो कहां रहता है, बॉम्बे रहता है, दिल्ली रहता है, कलकत्ता रहता है, नाम क्या है उसका साले का, कुछ तो नाम होगा, सुनील रामू शामू कुछ तो होगा, मतलब हम तो इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग बना के बैठे हैं और तू मतलब आज तूने सारा प्लान ही चौपट कर दिया हमारा, तो मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं फिर अब यहाँ लगा भी दूंगा उसको उठ के दो चार, कर लो यार जैसे मर्जी जो मर्जी तुम्हारा भाई, यकीन ही नहीं हो रहा क्या कर दिया ये, समझ ही नहीं आ रही, दिमाग ही नहीं चल रहा, काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्लॉक हो गया, डेड हो गया, लॉकडाउन हो गया दिमाग के अंदर, कैमरा भी भैया कह रहा है कैमरा भी ऐसे फसल रहा मेरे हाथ से, क्या कर दिया ये, धीरे से मतलब पापा गए अभी बड़े गुस्से में दूसरे कमरे में, ओ गॉड ये क्या कर दिया मैंने भाई, बहुत गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, पता नहीं क्या होगा अभी, मैं नहीं कर रहा हूँ उनसे बात, थोड़ा 10-15 मिनट आधा घंटा एक घंटा छोड़ रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं कर रहा बात, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है, आधे टाइम तो मेरे को हंसी आ रही थी, मेरे को कसम से हंसी कंट्रोल करने में ना इतनी दिक्कत हो रही थी जब वो डांट रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था हंसी कंट्रोल करूँ कैसे, और उस टाइम हार्ट बीट ऐसे हो रही थी और साथ साथ हंसी भी आ रही थी, बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था, कसम से ऐसा लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर का स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, जो होना था वो तो हो गया, क्रेजी डे मुझे तो ये लग रहा है जब उनको पता लगेगा ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, सही में चप्पल उठा के ना मार दे, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, समझा, खाता इधर का गाता उधर का, पहली टिकट निकाल और भाग उधर, अगर ऊपर जो प्रैंक है ना वो भारी ना पड़ जाए, लग रहा है अगर वो सही में मान गए ना किसी लड़के को पकड़ के शादी करा देंगे मेरी, क्या करूं बता दूं, एक काम करता हूं उनकी फेवरेट चाय बनाता हूं, एक्चुअली मेरे को ये बताना था आप दोनों को कि मैं मजाक कर रहा था, तो क्या मजाक था, पहले वाला या अब वाला मजाक, पहले मजाक कर रहा था, नहीं नहीं मुझे तो यही लग रहा है तू पहले मजाक नहीं अब मजाक कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू ले आ जो भी है बंदा, अरे बंदा कोई नहीं है भाई, मैं मजाक कर रहा था, बात कर ली मम्मी से, तू चिंता मत, अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं व्लॉग के लिए बना रहा था, मैंने कैमरा भी छुपा रखा था, ये देखो ये व्लॉग बन रहा है, अरे मैं ऐतराज नहीं है बेटा, आपको जो ठीक लगे वो करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आपको जो ठीक लगे, पापा जैसे कह रहे हैं ठीक है बेटा, क्या कर सकते हैं, अब आपको बच्चे को घर से बात, अरे भाई मैं व्लॉग के लिए मजाक कर रहा था, वो देखो कैमरा यहाँ पे, मैंने कैमरा छुपाया हुआ था और आप, मैं रिकॉर्ड कर रहा था सब पहले, बेटा तू नैला चल रहा है ना, तो हमने भी डैला चला हुआ है, चिंता मत कर हमें पता है, यहाँ ये कारस्थानियां कर रहा था ना कैमरे की, मैंने देख लिया था, मैंने बेटा आज तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे कैमरे को तो तूने छुपा के रख दिया था, लेकिन हमें पता था, क्या पता था, तो ये कैमरा छुपा रहा है और तो कोई ना कोई प्रैंक कर रहा है, तो हम भी तेरे साथ ही प्रैंक कर रहे हैं, हमने भी तेरे को मतलब डैला चल दिया था तेरे ऊपर, अबे यार आप समझ रहे थे कि आप ज्यादा होशियार हो बेटा, हम तुम्हारे, आपको पता था प्रैंक चल रहा है और क्या, तो आपने कब देख, हमें बेवकूफ बना लेगा, अरे इतने बेवकूफ, अरे मैं इतना डर गया था, मुझे लगा सही में चप्पल उठा के मार दोगे, नामी को मैंने इशारा कर दिया था, मैं आप चुप रहना मैं इसको संभाल लूंगा, ये बात समझ ले कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, समझ आ गई, और हम तेरे बाप हैं, जब तू पैदा हुआ ना तब से मैं तेरे को जानता हूँ, अभी क्या मतलब समझ रहा है कि मैं बेवकूफ बना लूंगा माँ बाप को, मैं निकला था पोपट बनाने आपको, हमने तेरा बना दिया, यहाँ पे मेरा पोपट बन गया, तेरा बना दिया, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, और अब तू मेरी बात को नोट कर ले, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करेगा, और जो तेरी माँ के पास प्रोफाइल्स है ना
उसमें एक सिलेक्ट करके और हमें बस तू ये लॉकडाउन खत्म होने दे, हमने बस हमें न्यूज चाहिए बस। आज का ब्लॉग जो है इतना ही। अब मेरा पोपट बन चुका है, मैं पोपट बनाने आया था मम्मी पापा का, लेकिन पोपट बन गया मेरा, मुर्गा बकरा सब बन गया। तो आज का ब्लॉग करते हैं खत्म यहीं पे। जैसा कि आपको पता है, खत्म करने से पहले भी एक बार मुस्कुरा दीजिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये सब पसंद आया है तो आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब करना।